Assalamualaikum everyone. Welcome back to our channel. I am Lubna. This is Saba. And we are here with yet another review video. और आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं. उसका नाम है गो और ये भी कोक स्टूडियो का ही है. इसके सिंगर है आतिफ असलम और अब्दुल्ला सिद्दीकी. आतिफ असलम को हम सबने सुना है, ठीक है. मैंने अब्दुल्ला सिद्दीकी को अभी तक नहीं सुना, तो ये मेरा फर्स्ट होगा. हाँ, तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके, मैं एक्साइटेड हूँ यार. कोक स्टूडियो का तो अलग ही हिसाब चल रहा है. ओके, Coke Studio, season 14. Vision plan. I'm all nerve ends, all sense, no sense. Live to get my feelings hurt. Sentimental amateur. Har subh ki shuru mein wohi khushboo. Sapno mein tum mangaye baje gungroo. Gir gir ke main phir ye kadam. Kaise karun izhar na samjhoon. अब इंतहा कैसी ये जानू कैसे. इतना बरस जाता है दिल मेरा ये बारिश जैसे. मैं मेरी हर ख्वाहिश में जो मौजूद. कैसे करूँ जाहिर ये बता तू. Go, cause I never take it slow. आगे आया ही आता हूँ हर रोज. Knew it from the get go. के रही हूँ कमजोर. डरना नहीं. फिर वही है रात सुनहरी. पूछे दिल से बात ये गहरी. ख्वाहिशों के दर पे बैठा. आसरों का बोझ कसता. पास ये हवा जो बहकती. जाने सब हर बार ये कहती. खिड़कियाँ ये बंद न कर तू. सांस ले उदी से न डर तू. I'm a sailor, but I'm in my mind. I don't need you telling me that I'm starry-eyed. I don't wanna hold up if I can't break. I don't wanna shut down just to feel safe. I'm pathetic, so frenetically romanticizing. But there's just something so poetic in the clutter. You can't wear me down. Oh, you can't wear me down. Oh, go. Cause I never take it slow. Aage aaye hi aata hu har roz. Knew it from the get go. Like the sun on my skin. Let the heat sink in. Patterns in my delicate scars. Feel it in my sunburnt heart. Healing while I revel in pain. Meaning in the burns like paint. Patterns in my delicate scars. Feel it in my sunburnt heart. बातें क्या हूँ आदि. जिन राहों का आ गया वहाँ. दिल जाने ना जाने क्या है.
कोका-कोला। तो आई थिंक पहली बार आते फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फ्यूजन टाइप जो स्टार्ट हुआ ना वो अब्दुल्ला ने स्टार्ट करा एंड देन आतिफ असलम का जो पोर्शन आया वो इतना काफी अचानक है, मतलब अगर कोई नहीं पढ़े ना आतिफ असलम तो वो ऑल ऑफ अ सडन ही आएगा और काफी अच्छा आया। हाँ मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरा म्यूजिक जो था ना उनका पीछे का थीम म्यूजिक जो था वो बहुत अच्छा था और सिंगर्स ने तो वैसे ही बहुत अच्छा ही गाया है। मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ सीजन 14 मेरा दिल ले गया है। नहीं लेकिन मुझे पता है यहाँ पे फोर्थ मिनट के बाद ना थोड़ा स्लो लगने लगा। हाँ मे बी बिकॉज आई वाज नॉट इन द जोन, आई डोंट नो, वो जो मिक्स एंड मैच हो रहा था वो मुझे स्लो लगने लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये भी थक गया शायद। नहीं मतलब मेरा टेस्ट तो थोड़ा ऐसा था कि मुझे आतिफ असलम वाला जो पोर्शन था वो बहुत अच्छा लग रहा था और अब्दुल्ला वाले जो उसका जो म्यूजिक था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ और एंड में जब वो वोकल वाला अब्दुल्ला ने गाया लास्ट पार्ट था वो बहुत अच्छा था, मैं मेरा मुंह खुल गया था। लिरिक्स भी काफी अच्छे, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, बहुत मीनिंगफुल है। मैं तो बोला ही था कोक स्टूडियो कितनी तारीफ करें, तारीफ पिछले 3-4 वर्तमान से मैं कोक स्टूडियो की ही वीडियो बना रही हूँ और मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा और ये सबसे अच्छा, बट ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा था। आतिफ असलम थे और मेरे फेवरेट है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया ये, अब लोगों का मुझे नहीं पता। काफी अच्छा था। हाँ तो चले आज की हमारी वीडियो बस इतनी सी ही है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। एग्जैक्टली और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी भी वीडियो पर रिएक्ट करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी आप बता दें, हम तो आप के लिए हैं कि आप क्या किस पे रिव्यू चाहते हैं या क्या नेक्स्ट देखना चाहते हैं, पसंद करेंगे। एग्जैक्टली तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।